लैके आउण 20,000 करोड़ रुपया। मैं कहा मैं सदन दे विच नहीं आऊंगा, जे 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू आ गया तो नहीं आवांगा। पिछले 20 सालों के जे अनुमान ला लीए तो उत्ते कंपाउंड इंट्रस्ट कर लीए तो 40,000 करोड़ की लुट हुई है, तो पिछले 5 सालों के 7,000 करोड़ की लुट थोड़े सरकार ने की है। हाउस छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? 7,000 बह जाओ हूँ मेरे सुन लैन दो जी। आ दस्तावेज लैके आया, दस्तावेज लैके आया। अजे तो इन्हों को 30 करोड़ महा आया 3 महीने तो रौला अजी पाई जाते हैं। आप ही इन्होंने हुण कहा क्योंकि डिपार्टमेंट इन्हों को गवांढ़ी हलका जनाला सी, ये कहिंदे भी उत्थे धारीवाल साहब ने जाके रौला पाया, जो उस तो बाद 1.5 साल भी माइनिंग चलती रही बोले नहीं। सर मंत्री तुसी कमांड की बैठे करते सी, मंत्री तुसी सी, थोड़े कमांड दे हलके च माइनिंग हुंदी तुसी करदे सी। ग्रॉस इरेगुलरिटीज ते डॉक्यूमेंट समेत है। हरजोत बैंस कह रहा कोई एवें नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कंपनी जेड़ा मर्जी पत्रकार ले लवे, जेड़ा मर्जी ओपोजिशन का साथी आके मेरे दफ्तर च आ जाए स्वागत करता। मैं इस हाउस के कहना गा वो खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, डरन की किसी लोड़ नहीं, किसी को धमकाया नहीं जाऊगा। Let me sir, बाजवा साहब let me complete, मैं थोड़ा जूनियर है, बहुत बेइज्जती है। Let him finish, he is about to finish। बाजवा साहब तुसी क्या सी? प्रगट सिंह जी इस गल नूं इशू बना रहे हो, तुसी सियाणे हो, सियाणे हो तुसी, तुसी इह कड़ियां गल्लां च पै गए। पंजाब दे सिर ते 3,00,000 करोड़ कर्जा हो जांदा कोई तकलीफ नहीं सी, पर अज पंजाब दे हस्पतालां च ना डॉक्टर है, ना इलाज है, ना पटवारी है। कहिण नूं स्कूल नंबर 1 है जी, दसन किहड़े सरकारी स्कूलों का बच्चा आई आई टी च गया, किहड़ा सरकारी स्कूलों का बच्चा आई एम च गया, किहड़े सरकारी स्कूलों का? मैनूं बोल लैण दिओ जी। 3,00,000 मेरा हलका जी आनंदपुर साहब, 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर जी सानू आना पैंदा PGI। ओही गल साडे मुख्यमंत्री साहब मान साहब ने कीती, हस्पताल रेफरेंस सेंटर बने हुए जी। ये 3,00,000 करोड़ कित्थे चला गया? मेरे हल्के 3 नगर काउंसल ने, हर नगर काउंसल च करोड़ां रुपए की लुट हुई है पिछले 5 सालों च, ते मैं दावे नाल कह सकदा सारे मैंबर साहिबान दस दिन सारिआं दे होई है कि नहीं होई है। सर सारे जिहड़े पंचायतां दे फंडां दे विचों उहदे च लुट होई है कि नहीं है जी? पता तो होवे जी 3,00,000 करोड़ रुपया होया कित्थों। राजा वड़िंग जी ने बहुत वड्डी स्टेटमेंट दित्ती, मेरे वड्डे भाई है, मैं सत्कार करदा चंगे राजनेता ने, ये कहिंदे जे अगर ये 20,000 करोड़ इकट्ठा कर देंगे तो मैं कभी सदन च नहीं बढ़ूंगा। ठीक है भाई जी, पर मेरी थानू बेनती है जी, मैं कुछ ये दसना चाहता थानू आंकड़े। पिछले 20 सालों के जो माइनिंग चो रेवन्यू इकट्ठा होया 2002-03 च 7 करोड़, 2003-04 च 11 करोड़, 2004-05 च 11 करोड़, 6 च 11 करोड़, 7 दे विच 13 करोड़, 8 दे विच 35 करोड़, 9 दे विच 36 करोड़, 10 दे विच 61 करोड़, फिर 36 करोड़, फिर 13 च फिर 19 करोड़, फिर 13-14 च 43 करोड़, 14-15 86 करोड़, 15-16 56 करोड़, फिर 42 करोड़, फिर 123 करोड़, 17-18 च फिर 18-19 च 38 करोड़, फिर 19 विच 110 करोड़, फिर 2020-21 च 178 करोड़, 2021-22 150 करोड़। पिछले 20 सालों के सिर्फ 1,083 करोड़ माइनिंग चो आया, पिछले 20 सालों के जे अनुमान ला लीए तो उत्ते कंपाउंड इंट्रस्ट कर लीए तो 40,000 करोड़ की लुट हुई है, तो पिछले 5 सालों के 7,000 करोड़ की लुट थोड़े सरकार ने की है। हाउस छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? 7,000 बह जाओ हूँ मेरे सुन लैन दो जी। आ दस्तावेज लैके आया, दस्तावेज लैके आया। मंत्री जी 7,000 करोड़ की लुट पिछले 5 साल च हुई है। मंत्री जी एक मिनट, छड्डूंगे कि नहीं छड्डूंगे? आ मैनूं बोल लैन दो जी मेरे आंकड़े। मंत्री जी एक मिनट, एक मिनट मंत्री जी। राजा जी बहुत ही सत्कारयोग स्पीकर साहब, किस साल किन्नी आमदन हुई और 20 सालों की गल उदो असी सदन च नहीं सी जां कोई गल नहीं, कि 1,000 करोड़ होया, 2 होया, 1 होया, 50,00,000 रुपया होया, होई होनी है लुट, होई होनी है, मैं इस गल नूं इनकार नहीं करता, होई होनी है। लेकिन मैं जो गल कही सी, इन्होंने कहा सी कि अगली जो सरकार आएगी असी लोगों ने पूछा सी गरंटियां कितों पूरे कराऊंगे, उन्होंने कहा सी 20,000 करोड़ रुपया रेते चों आमदन लैके आवांगे। जिहड़ी लुट होई है पहला ये लैके आउण 20,000 करोड़ रुपया। मैं ये कहा मैं सदन दे विच नहीं आऊंगा, जे 20,000 करोड़ रुपए का इन्हां ने रेवेन्यू आ गया तो नहीं आवांगा। वो गल नूं किधरे पासे लै गए? ठीक, वो जवाब आ गई तुहाडी गल। बैंस साहब मैं जी थानू ये दस देवां जी, ते कुछ माइनिंग पॉलिसी ते क्योंकि मंत्री साहब पुराने साबका मंत्री साहब बैठे है, तो जो इन सवाल लाया से मैं आप किया सी, ते मैं मीडिया के साथियों भी किया सी कि मैं माइनिंग के सारे आंकड़े पेश करूंगा पिछले 5 सालों के। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, 5 साल पहला
मई 2017 दे विच 102 खड्डां दी अलॉटमेंट कर दित्ती। मीडिया दे विच खबरां चलियां, सारा कुछ ही सब नूं पता की होया सी। उत्ते नारंग कमिशन दी रिपोर्ट बनी, उह मैटर अज सबजिडिस है। खैर उह क्लीन चिट दे दित्ती। दैन इन 2018 एक माइनिंग पॉलिसी लैके आए, जिस दे विच पंजाब नूं 7 ब्लॉकां दे विच वंड दित्ता गया जी। उस माइनिंग पॉलिसी दीआं 3 प्रमुख शर्तां ने जी, कि जिहड़ा ठेकेदार होऊगा, जिहड़ा कंसैशनर होऊगा, उह 25% एक साल दा पैसा पहला जमा कराऊगा, 25% जिहड़ा है बतौर बैंक गरंटी रखूगा, ते जिहड़ा अगला क्वार्टर है उहदा जो क्वार्टर शुरू होने तो पहला 15 दिन पहला उहदी पेमेंट दूगा जी। ये मैनू दस देन कि फिर एरियर्स किदां आ गए पंजाब दे उत्ते। 625 करोड़ रुपया आना सीगा 3 सालां दे विच, 425 करोड़ क्यों आया स्पीकर साहब? बैंक गरंटियां जदों उहनां दा बकाया खड़ा हो गया, बैंक गरंटियां क्यों नहीं सीज कीतियां गईआं? साडी सरकार है 25 करोड़ रुपए दियां आंदे सार बैंक गरंटियां सीज कीतियां गईआं, बैंक गरंटियां सीज कीतियां गईआं। इस तों इलावा ये कहिंदे जी पुराना बकाया आ गया, पुराना बकाया जी असीं डंडे नाल लिया, असीं उहनां दे कॉन्ट्रैक्ट टर्मीनेट कर दित्ते। जदों कॉन्ट्रैक्ट टर्मीनेट करके उहनां तों पैसा लिया, इहनां दी बनाई माइनिंग पॉलिसी है बिना DSR तों। जिहड़ी पॉलिसी दे विच 202 खड्डां दी नीलामी कीती गई, पर अज सिर्फ 43 चलदियां पईआं, क्योंकि जदों पॉलिसी बनाई गई कोई DSR ही नहीं किया गया, सिर्फ पंजाब नूं लुट्टण दे लई। पहला ही सौदा हो चुकिया सीगा, पंजाब नूं लुट्टण दे लई छड्ड दित्ता। उस तों बाद जी वह 43 चलते पे ने। मैं बोल सकता स्पीकर साहब? यस सर, यस यस। थोड़ा हाँ मंत्री जी। स्पीकर साहब, साबका मंत्री जी, पहली गल तो यह है भी उदन इन्हों डिटेल च मैं पूछा सी 20,000 की इनकम, वह तो इन्हें जवाब नहीं दिता। ये पुरानियां सुनाई जाते हैं, ये पहलों इनकम तो वधाउण फिर किसी नूं गलत कहण। अजे तो इन्हों को 30 करोड़ महा आया 3 महीनों से, रौला अजी पाई जाते हैं। चलो एवं ठीक है जी, ठीक है। ओ तुसी देखो उन्होंने जवाब ले लैण दिओ, जवाब ले लैण दिओ। स्पीकर साहब एक सेकंड, चलो एक मिनट राजा जी, चलो ठीक है, बैठो 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 धालीवाल साहब, बैठो धालीवाल साहब बैठो। धालीवाल साहब, ये दसो राजशाही दे विच किन्नियां खड्डां है? ये नहीं ते अपने मैंबर को जो स्पीकर साहब मैं राजशाही च खड्डां पुट्टियां दिखा देना, ये मेरे नाल चलो कौन पुट के लै गया? बैठो कोई उत्थे लीगल लीगल खड आ गई सी उत्थे दसो सरकारिया। बैठो सरकारिया साहब, सरकारिया साहब, धारीवाल साहब ने कहा बैठो। राजा सांसी दे विच, राजा सांसी दे विच खीर ते जाके सिर्फ एक खड्ड मंजूर होई सी, ओ भी छोटी खड्ड सी, बाकी रह गई जनाले दी। इन्हां दी भी दस दिंदा है, जनाले नूं बिलोंग करदे आ। इन्हां ने एक वारी उत्थे बड़ा वड्डा मुद्दा चुकिया, पील लीगल माइनिंग होंदी आ, दरिया ते भी पहुंच गए, ते 1.5 साल ओ जो अजे रहिंदा सी, ते बाद च 1.5 साल च बोले ही नहीं। पता नहीं इन्हां नूं वधिया लग गया भी हुण माइनिंग ठीक हो रही है, ये तो यो जान रहे। बैठो धारीवाल साहब, गल नूं अगे चलण दीए। धारीवाल साहब आपां धारीवाल साहब इहनूं दवली नहीं करदी, बहस नूं चेयर नूं एड्रैस करो, ते तुसीं कहना चाहुंदे कुछ? मीत जी कुछ कहना चाहुंदे आ जी? सर साडे माणयोग साबका मंत्री जी आप ही इन्हां नूं हुण कहा, क्योंकि डिपार्टमेंट इन्हां कोले सी, गवांढी हलका जनाला सी, ये कहते भी उत्थे धारीवाल साहब ने जाके रौला पाया, तो उस तो बाद 1.5 साल भी माइनिंग चलती रही, बोले नहीं। सर मंत्री तुसी गवांढ की बैठे करते सी, मंत्री तुसी सी, थोड़े गवांढ दे हलके च माइनिंग हुंदी तुसी करते सी। बैठो बैठो धारीवाल साहब, आपां बहस नूं अगे चलण दीए। मीत जी सर, कुलदीप धारीवाल दी सरकार नहीं सी, कुलदीप धारीवाल मंत्री नहीं सी, मंत्री ये सी, ए दसन भी इन्हां दे गवांड च 1.5 साल माइनिंग हुंदी सी, ए की करदे? बैठो 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 हरजोत बैंस, हरजोत बैठो। राजा जी ऑनरेबल स्पीकर साहब तुसी आ जाओ, ऑनरेबल स्पीकर साहब तुहानू पॉइंट ऑफ ऑर्डर मिलेगा, बीबी जी तुहानू भी मिलेगा, एवरीबॉडी। ऑनरेबल स्पीकर साहब बड़े ही जी, मैडम तुहानू मिलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं आप जी दे जरिए गल अगे चलण दी है जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं आप जी दे जरिए पूरे सदन नूं, ते तुसी एक बहुत ही इतिहासिक काम करता है, सदन नूं लाइव करके पूरा पंजाब सुन रहा, मैं कुछ गल्लां दसनिया चाहुंदा जी। एनी ग्रॉस, ये तो छोटी मोटी खड्डां दी गल करदे आ, ग्रॉस इरेगुलरिटीज
ग्रॉस इरेगुलरिटीज ते डॉक्यूमेंट समेत है। हरजोत बैंस कह रहा है कोई एवं नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कंपनी जेड़ा मर्जी पत्रकार ले लवे, जेड़ा मर्जी ऑपोजिशन का साथी आके मेरे दफ्तर च आ जाए स्वागत करता, जो मर्जी आ जाए मोस्ट वेलकम। सर 16/12/2020 जेड़े पहला एग्रीमेंट हो गए उन्होंने सर बार बार अमेंडमेंट करके सर पंजाब लैंड प्रजर्वेशन एक्ट ते फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दी प्रोटेक्टेड लैंड्स जिन्होंने आपां आम भाषा च कहिंदे दफाली जमीन सर वो पा के माइनिंग नू दे दित्ती गई ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे नाल कोई सलाह कोई अप्रूवल भी नहीं की गई है। बहुतियां खड्डा मेरे हल्के च है, चंदपुर बेला 10 ग्राई सूरेआल जिंदापुर मालेआल, सर यह किवें हो सकता? यानी अज तक कदी सारा कुछ दीज इरेगुलरिटीज दिस ऑल करप्शन इज ऑन पेपर ऑन डॉक्यूमेंट। उस तो अलावा सर इदे ते हुण पुछणगे असीं की कीता, सर 18 ऑफिसर्स आई हैव सस्पेंडेड एंड आई हैव रिटन टू द विजिलेंस ब्यूरो के टाइम बाउंड इनक्वायरी। सर नॉट ओनली दिस, एक होर सर बहुत वड्डा एक ब्लॉक है जी, ब्लॉक नंबर मोहाली पटियाला फतेहगढ़ साहब। सर इन्हां ने जिहड़ी स्कीम लै जिहड़ी पॉलिसी बनाई सी उहदे विच कहा सी कि यह साडियां साइटां ने ते जेड़ा भी बंदा ये खड्डा लैना चाहता वो जाके पहला देख लवे, उदी जिम्मेदारी होगी। कल उतों मटीरियल निकलता नहीं निकलता पंजाब सरकार की कोई रिस्पोंसिबिलिटी नहीं। बट सर वेरी सैडली मोहाली पटियाला फतेहगढ़ साहब ब्लॉक दे विच आफ्टर गिविंग ठेकेदार वो इलीगल माइनिंग करता रहा, पर जदों उहदे एरियर्स ड्यू आए तो वह कह दिता गया। ऑनरेबल स्पीकर साहब ये बड़ी गंभीर गल है जी, ऑनरेबल स्पीकर साहब चार मैंबरी कमेटी बना के डिपार्टमेंट के हाथ वड़ दिते, पंजाब सरकार के हाथ वड़ दिते, उन्हें कह दिता हाँ जी जिहड़ियां असीं खड्डां दित्तियां सी इत्थे वाकई वह नहीं सीगा, इत्थे मटीरियल नहीं सीगा। ऑन द पैरेलल उत्थे इलीगल माइनिंग के परचे हुए है। सर ये जो पॉलिसी पहला आ गई सी इट वॉज द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ द ठेकेदार, असी उहदा माल नहीं पूरा करके देना सी, फिर उहदा माल पूरा करन दे लई। पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर साहब, ये हर गल साडियां हुण ताईयां ते दसी जांदे आ कि आ कुछ होया पैसे नहीं आए बिल इनकम नहीं हुई, पर इनकम वधाउण ते सही, ये इनकम वधाउण पैसे वधाउण ते फिर साडे नाल गल करन, अज कितना बोली जांदे आ। एफ एम साहब मैं यही बेनती की सी कि सारे जने आपां बजट ते बहस करिए, मैं तो पहला भी कहा सीगा, पर लेकिन तुहाडे सत्कारयोग मैंबर साहब ने कहा कि 20,000 का हिसाब दिओ, पर लेकिन एक मिनट लैट मी कंप्लीट तो कर लें। रंधावा साहब तुसीं तो लंबा समा रहोगे, थोड़ा बहुत तो इन्नी उम्र होगी, थोड़ा बहुत स्पीकर साहब हुण क्यों इस गल ते डरे होए कि साडे खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्हां ने कोई करप्शन की आ, जिन्हां ने करप्शन, मैं एक मिनट, जिन्हां ने करप्शन की आ उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जिहड़ी उहदी पार्टी जिन्हें मर्जी धरने लाई जाण, पहला भी लाउंदे रहे ने ला लैण, जिन्हें भी करप्शन की आ मैं इस हाउस के कहना गा वो खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी, डरन की किसी की लोड़ नहीं, किसी को धमकाया नहीं जाऊगा। बाजवा जी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा असी 100% सहमत, जे किसी ने कुछ की 19-21 100% हो, बट आप टाइम उस ढंग ना रखो, बहस करो, अपनी इनक्वायरी कराओ, इज मोस्ट वेलकम टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, बट ए लैट अस नॉट ए चीज नू, इट इज नॉट द राइट वे टू डू इट, साढ़े आके करो तुसी कि हुण तक क्रशर पॉलिसी नहीं बनी, सिर्फ 10,000 रुपया दो ते 2.5-3 करोड़ की इनवैसटमेंट है, तो क्रशरस वो इलीगल माइनिंग करते रहे। मैं सारे क्रशर वाले नू माड़ा नहीं कहता सर, पर एक इदां दी इंडस्ट्री बना दी गई जिसनों इन्ना ज़्यादा गल घोट दिता गया, उन्हां तो गुंडा परची भी ली जाती सी ते उन्हां ते परचे भी हो जाते सी। फ्रॉम द डे सर द गवर्नमेंट इज फॉर्मड असी एक भी नवा क्रशर अप्रूव नहीं किया, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब सर एक नवी क्रशर पॉलिसी लेके आ रहे, तो यह दसना चाहूँगे सर 444 क्रशर की जिम्मेदारी एक सी ग्रेड ऑफिसर सिर्फ 6 माइनिंग अफसरों को पंजाब दे विच दे दित्ती गई, तो पंजाब नू इलीगल पंजाब नू जिथों मर्जी पुट लो। साडी सरकार आई जी 2 माइनिंग ऑफिसर सस्पेंड किए ने जिहड़े सब तो हॉटेस्ट सीगे, रोपड़ वाला ते पठानकोट वाला, उत्थे सर लगन दे रहे 1 करोड़ रुपया लगता सी, अज उत्थे कोई लगना नहीं चाहता क्योंकि एक ईमानदार सरकार आई है। सर सारे पंजाब दे क्रशर Let me, sir, Bajwa sahab, let me complete. छोटा भरा मेरी एक गुजारिश है, देखो
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਬਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਿਵ ਹਿਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੋ ਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੈਸ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਲਿਆਓ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਓਹ ਲੈਟ ਹਿਮ ਟਾਕ ਸਮਥਿੰਗ ਗਲਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ बीबी अरुणा जी कुछ कहना चाहते हैं जी जी अरुणा जी थैंक यू सर जी सर इत्थे बैठ के इस पवित्र सदन च बैठ के अपने जड़े यंग मिनिस्टर ने इन्हां दी गल्लां बहुत चंगीआं लगदीआं ने कि ठीक है जो ये कहंदे ने इन्हां दी मंशा जड़ी ठीक है कि लेकिन ये जे डीपली सोचो तो मुंगेरी लाल दे हसीन सपनिया तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि 20,000 करोड़ रुपया आऊगा फिर असी लोक हित च वरतांगे फिर असी वेलफेयर दे काम करांगे मैं तुहाडे ध्यान च एक गल लियाना चाहनी हाँ कि पठानकोट बिल्कुल मेरे लागे है मेरा गुआंढी हलका है सब तो वध जड़ी है माइनिंग उत्थे हो रही है उत्थे कोई रोकण वाला नहीं है एक मिनट मेरी गल कंप्लीट होण दे एक अफसर नूं फड़न नाल कुछ नहीं होंदा जी मेरी गल सुनो मेरे हल्के दीनानगर कोई भी टिप्पर या रेत का ट्रक बिलकुल नहीं निकल के जाता लेकिन बड़े अफसोस की गल है कि हूँ 3 महीने तो उतो लगातार उस चौकी तो बल्कि फैसिलिटेट किया जाता है कि इतों ट्रक भी जान और टिप्पर भी जान सो इस करके कौन ले रहा है और मेरे को वेरीफाई करा लो कि कौन ले रहा है मेरी गल सुनो देखो मेरी गल कंप्लीट हो जाए परमिशन चाहना क्योंकि मेरी अगली मीटिंग स्टार्ट है मेरे ऑफिसर साहबान नोट कर रहे हैं बिल्कुल जिहड़ा भी तुहाडे जिन्ने भी तुहाडे सुझाव होणगे सब दा मैं जवाब दूंगा मेरी मीटिंग दा टाइम हो चुकी है जीएसटी कौंसल दा सो धन्यवाद जी जी सैकटरी साहब तो मेरी जी अहम जिम्मेवारी है सर वो जी एस टी कौंसल काफ़ी मुद्दे ने पंजाब के पुराने पेंडिंग पे ने गे नहीं साढ़े सारे ऑफिसर बैठे ने गे जी ऑफिसर साहबान बैठे ने गे जी तुम चाहते हो मैं तुम कह दो कि असं जी एस टी कौंसल च ना जाइए मैं कह रहा ऑफिसर साहबान बैठे नोट कर रहे हैं तो कली कली गल का जवाब देवे प्रगट सिंह जी इस गल इशू बना रहे हो तुम सियाने कि गलों च पै गए साढ़े सारे ऑफिसर साहबान बैठे ने गे हर गल इशू ना बनाया करो ऑफिसर मैं दावे ना कह रहा तो कले कले का जवाब दूँ कली कली गल का जवाब देर हरजोत सिंह बैंस बीबा जी आ गई थोड़ी गल लेट हिम कंप्लीट ऑनरेबल स्पीकर साहब मैं पहला इन्हां दी क्वेरी दा जवाब दे दवां ते अगेन इवन मानयोग मेंबर साहब भी वेलकम ने साडा आके डाटा चेक कर सकते ने पिछली सरकार दे विच सर मैक्सिमम जिहड़ी डेली माइनिंग हुंदी सी ओह 40,000 मैट्रिक टन सी अज सर कल्ली 40,000 मैट्रिक टन पठानकोट चों कर रहे हां सी क्योंकि एक एक ट्रक पंजाब सरकार दे पोर्टल ते चढ़ रहा पहला जिहड़ियां चौंकियां सी ओह तुसीं आ जाओ तुसीं मैनूं ट्रक नंबर दो अगर मेरे पोर्टल ते नहीं होऊगा I am responsible. Sir, जिन्नी माइनिंग कल्ले पठानकोट चो से 40,000 मैट्रिक टन कर रहे हैं डेली सर फैसला कर लो फैसला हो नहीं नहीं सर क्या खड़े है आई हो रही है मेरा ब्लॉक उस ब्लॉक का नाम पठानकोट सरकारिया साहब एक मिनट यार बैठ जाओ एक मिनट स्पीकर साहब मैं पहले भी यह जिक्र किया एक दे 40 लाख टन कभी कुछ कही जाते हैं जे इन्होंने सब कुछ बता लिया तो इनकम क्यों नहीं बढ़ रही मैं तो यो सवाल करता एक मिनट खलोयो यार ये पहलों इनकम वधाउण
20,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਧਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਕਟਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੇਜੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂ ਯੂ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ 20-20 ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਟਰੱਕ ਨਾਓ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕਰੈਕਟਡ ਸਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਕਦੀ ਦੋ ਟਾਇਰ ਚੜਾਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟੀ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਾਰਕਡ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ 205 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ 43 ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਡੂਇੰਗ ਅ DSR ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਫੋਰ ਦੈਟ ਅ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DSR ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 205 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕਵਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਦ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫਾਲਟ ਸਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੀ DSR ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ EC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸਰ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 108 ਕਰੋੜ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਪਾਈ ਪਾਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਸਟ ਲਾਇਰਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਟ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਸਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰਸ ਆਪ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੇਮਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 108 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ